नमस्कार। न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। बारह मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से आजादी की अमृत महोत्सव का शुभ आरंभ कर दिया। केंद्र सरकार ने अब से लेकर 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च की 91st एनिवर्सरी पर मोदी जी ने अहमदाबाद से इसका रीएनैक्टमेंट को भी फ्लैग ऑफ किया। इस यात्रा में शामिल 81 लोग होंगे और ये 386 किलोमीटर की यात्रा 5 अप्रैल को संपन्न होगी, जैसे कि 1930 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने अगले 75 वीक्स तक सोशल डिस्कोर्स 5 स्तंभों पर केंद्रित रखने की बात कही है। सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद 75 विचार, 75 उपलब्धियां, 75 कार्यवाहियां और 75 या फिर 75 संकल्प या फिर रिजोल्यूशंस। द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट स्पेसिफाई हु विल डिसाइड on the facets of the national movement that are to be emphasized and which 75 ideas, achievements, actions and results will be stressed upon in this entire period. But since this is a sarkari program, I guess it will be decided by the bureaucrats or whoever they think are competent enough to decide on their behalf. Ye baat alag hai भारत के स्वतंत्रता संग्राम या फिर आजादी की लड़ाई के इस शासन की भूमिका पर अक्सर प्रश्न चिन्ह रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, आरएसएस दुनिया की देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। ये बात उन्होंने राहुल गांधी का कौशिक बासु के साथ जो बातचीत हुई थी और जो इंटरनेट पर अपलोड हुआ था, उस पर उनकी टिप्पणियों पर रेस्पॉन्ड करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। जावड़ेकर ने आगे कहा था, लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना, लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। इससे पहले 4 फरवरी इसी साल 2021 में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। With this government program, the UP government initiated a year-long program to celebrate the Chauri Chaura incident. Chauri Chaura ki incident ki centenary aur Azadi ke 75th anniversary celebrations ke schedule ki analysis se ek baat bilkul clear hai. Sarkar agle 1.5 saal tak logon ke beech राष्ट्रवादी और धार्मिक उत्साह और जोश बढ़ाने पर एम्फेसिस डालेगी। शायद कोशिश यही है कि लोगों का समकालीन चुनौतियों से किस तरह से मन को हटाया जाए। देशभक्ति की भावना फैलाना या उसको इंक्रीज करना हर सरकार का दायित्व है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि जो कंटेम्पररी चैलेंजेस हैं उससे सिटीजन्स का कंसर्न हटा दिया जाए? लेकिन इससे ज्यादा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। 12 मार्च को जब दांडी मार्च के रीएनैक्टमेंट को मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा, गांधी जी की इस यात्रा ने भारत के नजरिए को पूरे दुनिया के सामने रख दिया। मोदी जी या ये रेजीम जिस राजनीतिक या फिर आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम से निकलकर सत्ता तक आई है,
वह गांधी जी की धारा से बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन सरकार और बीजेपी, या यूं समझिए कि पूरा का पूरा संघ परिवार, राष्ट्रीय आंदोलन को अप्रोप्रिएट करने में लगा हुआ है। इन दिस सिचुएशन इट वुड बी वर्थ वाइल एग्जामिनिंग द एक्सटेंट टू विच द लीडर्स ऑफ द संघ परिवार वेर इन्वॉल्व्ड इन द नेशनल मूवमेंट। आज हम दांडी मार्च और इससे इमर्ज होने वाली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, उसमें जो आज के नेता के जो पॉलिटिकल एंसेस्टर्स है, उनकी रोल या उनकी भूमिका के बारे में हम चर्चा या फिर बात करेंगे। आजकल बंगाल में घमासान इलेक्टोरल युद्ध देखने को मिल रहा है। इस पीरियड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात बहुत रेगुलरली हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे और बाद में भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। भारतीय जनसंघ, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के प्रीसीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर उसका पहले का अवतार। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी 29 वर्ष के थे। उस वक्त श्यामा प्रसाद राजनीति में नहीं आए थे, परंतु कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिनेट और सिंडिकेट के मेंबर थे। इन पोजीशंस पर उनको 1924 में नॉमिनेट किया गया था, जब उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी का निधन हुआ था। द इंटरेस्टिंग थिंग इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपॉइंटमेंट वॉज बेस्ड ऑन द डायनेस्टिक प्रिंसिपल। दांडी मार्च के कुछ महीने पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज इलेक्टेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस देन, बट डिड नॉट टेक पार्ट इन द दांडी मार्च और द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट फॉलोड। जनसंघ के एक प्रमुख नेता उस दौर के बलराज मधो, उन्होंने अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ अ मार्टर में लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड दैट मास एजिटेशंस एंड रेजिग्नेशंस गेव स्पेस फॉर टोडीज टू प्ले मिस्चिफ। टोडीज मतलब कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को खुश करने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने अपने मेंबर्स को लेजिस्लेटिव बॉडी से रिजाइन करने को कहा। मुखर्जी ने रिजाइन तो किया, परंतु इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर फिर से री इलेक्ट होकर आ गए। मैंने अपने किताब द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट में मैंने लिखा है, इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। व्हेन इंडिया वाज इन फर्मेंट ओवर द अरेस्ट ऑफ टॉप कांग्रेस लीडर्स, मुखर्जी कॉन्शियसली शंड पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड प्लंज्ड headlong into the job at hand by becoming an assistant to Hasan Suhrawardi, the vice chancellor of Calcutta University. 1934 में मुखर्जी खुद वाइस चांसलर बन गए। मुखर्जी लॉर्ड मैकॉले के प्रशंसक थे और यूनिवर्सिटी में बेहतरीन ब्राउन साहिब्स का प्रोडक्शन करने में जुट गए। अब देखते हैं आरएसएस और उनके जो फाउंडिंग सरसंचालक थे केशव बलिराम हेडगेवार, उनका दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रोल था। सिग्निफिकेंटली नाइदर द गवर्नमेंट नॉर मिस्टर मोदी मेंशन्ड दैट द दांडी मार्च वाज प्रीसीडेड बाय द लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन विच डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस from the British. To mark this occasion, the Congress gave a call to all people in the country to hoist what was then treated as a national flag on the 26th of January 1930 and mark the day as the Purn Swaraj Day. Hedgewar asked his cadre to celebrate the day, but hoist the
RSS flag instead, not the officially accepted national flag. He also asked that the occasion be utilized to propagate the Sangh ideology and not those ideas that inspired the call for Purn Swaraj in the Lahore resolution. Later, 26th January was chosen as the day to declare India as the Republic in 1950. This was to mark the year, the day when the Indian flag was first officially hoisted. It's a different matter that the Indian tricolor was subsequently altered during the Constituent Assembly, but that is a different matter. In the book, Dr. Hedgewar, the epoch maker, H.V. Seshadri, who was the RSS General Secretary for several years in the 1980s and 1990s, he wrote, after the demand for allowing the RSS cadre to join the civil disobedience group, Hedgewar wrote to the Shakha Pramukhs. The note read, the Sangh as such has so far not resolved to participate in the movement. However, those who would like to participate in their personal capacity are free to do so after obtaining permission. For the primary objective of the RSS to strengthen Hindu society, salt satyagraha, and the anti-British stirs were completely irrelevant. But Hedgewar felt that participation was needed to ensure that the RSS was in sync with the political aspirations of the masses of people. Phir bhi ve andolan ke saath RSS ka koi formal association nahi chahte the. Hedgewar khud shamil hue andolan mein, parantu namak satyagraha mein nahi hue. Unhone jungle satyagraha mein participate kiya, jo ki central province mein ek sub-regional protest movement tha. Lekin mahatvapurna baat ye hai ki jungal satyagraha ko bhi join karne ke pehle Hedgewar ne sarsanchalak ke pad se step down kiya aur Lakshman Vasudev Paranjpe ko apne sthan par niyukt kiya. Aupcharik roop se ve civil disobedience movement mein to nahi the, jungal satyagraha mein bhi shamil hue as an individual and not as an RSS leader. Hedgewar ne lekin popular jo upsurge tha, wo jo sentiment tha, usse apne matbhed ko spasht kiya, ek bayan jari kiya. Is 6 months or a year in jail enough to secure the country's independence? People are not yet prepared to realize the simple truth that organized work for several years alone can take us to our cherished goal. Yani ki, Sangh ka raasta hi sahi hai, lekin populist demand ki wajah se Hedgewar aur RSS ko compromise karna pad raha tha. July 1930 mein Hedgewar ne court arrest kiya aur February 1931 mein ve release ho gaye. तुरंत उन्होंने आरएसएस के सरसंचालक की गद्दी को वापस अपने ले ली और वे संघ के नेटवर्क को बाकी जगह पे फैलाने में जुट गए. दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बेशक आज संघ परिवार के नेता उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, परंतु आज से 9 दशक पहले उनका पार्टिसिपेशन, उनके पॉलिटिकल पूर्वजों का पार्टिसिपेशन प्योरली रिचुअलिस्टिक था. यही कहानी आजादी के लड़ाई के दूसरे हाई पॉइंट्स की भी यही बात है. ये थे दांडी मार्च से 1 दशक पहले नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट. ये 3 ऐसे एपिसोड्स हैं हमारे नेशनल मूवमेंट को जिनको हाइलाइट्स ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट माना जाता है. 1920-21 में हेडगेवार और जो
हिंदू महासभा के जो बाकी नेता थे उनको उस आंदोलन से प्रॉब्लम था, क्योंकि वे खिलाफत आंदोलन को अपनाना नहीं चाहते थे। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया। उसी पीरियड में सावरकर ने हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में एनलिस्ट होने का निर्देश दिया। मैं अगर चाहूं तो ऐसे में 75 इंस्टेंसेस या फिर उससे भी ज्यादा निकाल सकता हूं जो हमारे नेशनल मूवमेंट के हाई पॉइंट्स थे, लेकिन हर एक में संघ परिवार के नेता या फिर उनकी पार्टिसिपेशन मिसिंग थी। इन एपिसोड्स और उसमें संघ परिवार के रोल की बात हम फिर कभी और करेंगे। जाते जाते लेकिन गोलवालकर की एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। उस वक्त हिंदुस्तान की आजादी सर्टेन हो चुकी थी। पंजाब के फगवाड़ा शहर में उनसे किसी ने एक सवाल पूछा, आजाद हिंदुस्तान में संघ की क्या भूमिका या क्या रोल होगी। उनका कोट जो उसका जवाब था मैं पढ़ के सुनाता हूं। डू यू बिलीव दैट द ब्रिटिश विल क्विट द निनकंपूप्स इन हूज हैंड्स दे आर गिविंग द रेन्स ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू होल्ड ऑन फॉर इवन 2 months. They will go crawling on their knees to the British and ask them to kindly return. तो ये था उनका इतिहास की समझ, ये था उनका इतिहास में participation. नमस्कार।